सावधान इंडिया, अंग्रेजों को धोकर आ रहा है वेस्ट इंडीज। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे और T20 की सीरीज खेली जानी है, लेकिन उससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेल रही है, जहां पर वेस्ट इंडीज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों को पूरी तरह से सफाया कर दिया है और अब भारतीय टीम को भी धमकी दे डाली है, जिसके बाद तो भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाली है। दोस्तों आपको बताएंगे पूरी खबर, कैसे अंग्रेजों का सफाया वेस्ट इंडीज ने किया है और साथ ही भारत के खिलाफ सीरीज को लेकर क्या बयान दिया है, बताएंगे आपको पूरी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं हमारी भारतीय टीम वेस्ट इंडीज का पूरी तरह से सफाया करे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 6 फरवरी से वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है, जहां पर दोनों टीमें 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। वैसे इस सीरीज के शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम को मजबूत बताया जा रहा है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि हमारी टीम इंडिया रोहित की कप्तानी में बड़े से बड़े टीम को धूल चटाने का मद्दा रखती है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज में अंग्रेजों को पूरी तरह से सफाया कर दिया है। सीरीज ने निर्णायक मुकाबले में मेजबान टायरन पोलार्ड की टीम ने इंग्लैंड की टीम को 17 रन से हराया। कैरिबियाई टीम के इस जीत का हीरो बना वो खिलाड़ी, जिसका लोहा ICC भी मानती है और ऑलराउंडर्स की अपनी रैंकिंग में टॉप का दर्जा देती है। जी हाँ, जेसन होल्डर, जिन्होंने बल्ले से न सही गेंद से ही सीरीज में मेहमान बनकर आई इंग्लैंड की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर किया। सीरीज की निर्णायक लड़ाई में उन्होंने इंग्लैंड की आधी टीम का सफाया अकेले किया, तो पूरी सीरीज में 15 विकेट लेते हुए इतिहास कायम किया। 5 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मैच से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थी। इंग्लैंड ने दूसरा और चौथा T20 जीता था, जबकि वेस्ट इंडीज ने पहला और तीसरा। लेकिन निर्णायक लड़ाई में हार के बाद इंग्लैंड के लिए सीरीज का आगाज और अंत दोनों हार के साथ होता दिखा। 5वीं T20 में वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवरों में 4 विकेट पर 179 रन बनाए थे। वेस्ट इंडीज की ओर से किसी बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं ठोका, फिर भी इतना बड़ा स्कोर उनकी बल्लेबाजी की मजबूती को बताता है। टीम के कप्तान टायरन पोलार्ड नाबाद 41 रनों की पारी खेलकर टीम के सबसे सफल बल्लेबाज रहे। उनके अलावा रोमन पावेल 35 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले ब्रैंडन किंग और काइल मायर्स की जोड़ी ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई और ओपनिंग विकेट के लिए 59 रन जोड़े थे। इंग्लैंड को मुकाबले में जीत के लिए 180 रन का टोटल मिला, तो इस लक्ष्य का पीछा करते हुए न उसकी शुरुआत अच्छी रही और न ही अंजाम अच्छा रहा। 3 बल्लेबाजों के लिए खाता खोलना दुभर हो गया, तो कुल मिलाकर 7 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू सके। नतीजा, पूरी टीम 19.5 ओवर में 162 रन पर ऑल आउट। इंग्लैंड की इस खस्ती हालत के पीछे वेस्ट इंडीज के 2 गेंदबाजों जेसन होल्डर और अकीला हुसैन की बड़ी भूमिका रही। इन दोनों ने मिलकर मैच में 9 विकेट चटकाए। जेसन होल्डर ने हैट्रिक के साथ 27 रन देकर 5 विकेट लिए, जबकि अकीला ने 30 रन पर 4 विकेट गिराए और इसी के साथ ही वेस्ट इंडीज की टीम ने सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया। अब दोस्तों कैरिबियाई टीम इंग्लैंड को हरा कर भारत आ रही है, ऐसे में उसके हौसले काफी बुलंद होंगे, जबकि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से सर्वनाक हार के बाद इस सीरीज में भिड़ेगी। वही जेसन होल्डर और पोलार्ड जैसे खतरनाक खिलाड़ी भी भारतीय टीम को हराने का मद्दा रखते हैं। ऐसे में टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना होगा, वरना नतीजा पलट सकता है।